जितने भी हमारे वकील यहाँ पर हाजिर है दोस्तों, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप दिन भर से सुन रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं वो राजनीति में जातिवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवाद को हराने के लिए निकले हैं। अभी हमें सुप्रीम कोर्ट में इसे हराना है, हाई कोर्ट में हराना है, क्योंकि संविधान 1950 में मतलब 26 नवंबर 1949 में एक्चुअली फॉर्मिंग संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है। कुछ प्रोविजंस 49 को लागू हुए हैं और फिर बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो 2007 से हम लोग संविधान दिन भी मनाते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल जो है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स क्या है, इसके बारे में 2 मिनट में मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एक फिलासफर हुआ है। वो फिलासफर है अमेरिका में चार्ल्स इवान हर्विस करके। उसका कहना है कि वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से इट इज। संविधान क्या है, तो जो जज कहता है वो संविधान है। जैसे सवर्ण आरक्षण सही है या नहीं है, आप जज जज के पास चले गए हैं। जैसे आरक्षण सही है या नहीं है, जज के पास आप चले गए हैं। नागराज का जजमेंट आया है, वो कह रहा है कि कॉन्टिटेबल डेटा चाहिए, वो कहता है कि बैकवर्डनेस का प्रूफ करना पड़ेगा, इनएडक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रूफ करना पड़ेगा, एंड दे आर लिमिटेड इन द आर्टिकल, ऐसा वो कहता है। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द जजेस से इट इज। तो दोस्तों, हम लोग बड़े पैमाने पर पार्लियामेंट में गए थे, अभी नहीं है बट और जाएंगे इस बार। मुझे यकीन है कि हम लोग बड़े पैमाने पर इस बार जाएंगे, बट हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं गए हैं। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में तो हमारा अधिकार पास हो जाता है, बट सुप्रीम कोर्ट में आते आते वो फेल हो जाता है। और फेल होने का कारण यह है कि हमारे देश की जो जुडिशियरी का कंपोजिशन है वो ब्राह्मणवादी है। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मणवादी है, हमारे देश के हाई कोर्ट्स ब्राह्मणवादी हैं, वहाँ के जजेस ब्राह्मणवादी हैं। और उसकी वजह से जो है, संविधान ने जो हमें दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट छीन लेता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमने क्योंकि कांचीराम साहब ने इसके लिए बहुत कोशिश किया। जैसे आप देखेंगे कि करिया मुंडा कमेटी जो थी, जो एस सी एस टी वेलफेयर कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामेंट की, उसमें साहब कांचीराम मेंबर थे और उसके माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करने की बहुत बड़ी पैमाने पर कोशिश की थी, वो फेल हो गई दोस्तों। बट हमें विद इन द जुडिशियरी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग काफ़ी दिनों से बातचीत कर रहे थे और फाइनली हम लोग इस विषय पर पहुंचे हैं कि हम लोगों ने इस देश में हमारा सेपरेट बार एसोसिएशन बनाया। तो मैं आपको वादा करता हूं कि 14 अप्रैल को आपको इस देश में आपका अपना वकीलों का बार एसोसिएशन मिलेगा। मुझे देश में ऐसा एक आदमी नहीं मिला जिसने इस चीज का विरोध किया, इसीलिए मैं आप मानकर चलता हूँ कि आप सब लोग साथ में हैं इस चीज को। 26 जनवरी और 27 जनवरी को इसकी हम लोगों ने नागपुर में 2 दिन की मीटिंग ली थी वकीलों की, और उसमें ये डिसीजन हुआ है। उसका हम लोगों ने 14 मेंबर का एक कॉलेजियम वकीलों का बनाया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन में इसकी घोषणा करेंगे। हमारा प्लान है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में महाड़ में अपने जीवन का संघर्ष शुरू किया था, तो हम लोग महाड़ में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर की ये जो बार एसोसिएशन है उसकी घोषणा करना चाहते हैं 14 अप्रैल 2023। दूसरी बात मैं आपको करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, जैसे हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं और 25 हाई कोर्ट में 1079 हाई कोर्ट के जजेस हैं सैंक्शन स्ट्रेन, और एज ऑन टुडे 683 जजेस हाई कोर्ट्स में फंक्शनिंग है, अभी नियुक्त किए गए हैं।
400 के आसपास जजों की संख्या खाली है। हमारा इमीडिएट टारगेट ये है कि जो 400 जजेस की संख्या खाली है हाई कोर्ट में, उसमें सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के जज भरे जाने चाहिए। इसके लिए हमारा आंदोलन है, जैसे 2019 बदलाव का है, वैसे ही 2019 न्यायपालिका में भी बदलाव का साल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग इमीडिएट 14 अप्रैल के बाद हम लोग ये करेंगे, और हो सके तो हम लोग मदुराई से या चेन्नई से दिल्ली तक का मार्च निकालेंगे इसके लिए, और वकीलों के साथ निकालेंगे। 400 जो सीटें खाली पड़ी है वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के वकीलों के माध्यम से भरी जानी चाहिए एज अ जज करके हाईकोर्ट और सुप्रीम हाईकोर्ट के। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो 7 जजेस थे, बाद में 18 जजेस किए गए, बाद में 25 किए गए, अभी 31 हो गए। ये लोग जो हैं हमें एक्सक्लूड करके जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 5 साल का हाई कोर्ट का जज होना चाहिए आर्टिकल 124 के तहत, या फिर वो 10 साल का हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का वकील होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है। जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत भयंकर ब्राह्मणवादी लोग हैं उन्होंने ये एलिजिबिलिटी को स्कैलेट किया है। वो कहता है कि अभी तो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है तो आपका 15 साल से आगे यदि आप जज हैं हाईकोर्ट के तो आपको वो बनाना है, और यदि आप सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर सुप्रीम कोर्ट में हैं तो फिर एक बार कंसीडर करता है। हमारा दूसरा टारगेट है कि संविधान में जो एलिजिबिलिटी लिखा गया है कि 5 साल का जज और 10 साल का वकील, उसको हमें उसके ऊपर लाना है, वो हमारा इमीडिएट टारगेट है। हम लोग ये एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई स्कैलेट करने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, और वो कहते हैं कि आपके समाज में तो वकील ही नहीं है अपॉइंट करने के लिए, तो ये संविधान के खिलाफ जाकर इन्होंने एलिजिबिलिटी अपॉइंट धारण किया है। तो जो एलिजिबिलिटी उन्होंने अपने माँ बाप के मर्जी से, बाप के मनु की मर्जी से उन्होंने जो लागू की है एलिजिबिलिटी, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर लागू करना चाहते हैं। ये हमारा इमीडिएट टारगेट है, उसको हम इमीडिएट लागू करना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे, ये छोटा काम नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कई सालों से 91 के बाद में हम लोग ये डिस्कोर्स में उतरे हैं 91 के बाद में कि कॉलेजियम है। आप जानते हैं इस देश में कॉलेजियम क्यों है? इस देश में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होता, मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो कॉलेजियम नहीं आता। दो केसेस 91 की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट केसेस हुई है 91 में, इंदिरा साहनी केस और सुप्रीम कोर्ट एओआर केस। सुप्रीम कोर्ट एओआर केस ने कहा है कि कॉलेजियम होगा, और इंदिरा साहनी केस ने कहा है कि इस देश में ओबीसी को 27% आरक्षण हो। 27% आरक्षण की केस जो है 91 में फाइनलाइज हुई, और आप देखेंगे कि उस केस में पीपी सावंत और बहुत सारे जैसे रत्नवाल कांझियन ऐसे ओबीसी जजेस थे, और वो जब ओबीसी जजेस 1989 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट में 18 जजेस थे, और उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे शंकरानंद और एक दूसरे और एक शेड्यूल कास्ट के पी शिव शंकर, ऐसे जो लॉ मिनिस्टर थे उनके चलते सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 6 ब्राह्मण जज रह गए थे और 12 नॉन ब्राह्मण जज थे, और जो ओझा नाम का जज था वो लास्ट ब्राह्मण जज था। उसकी वजह से क्या हुआ कि आप लोगों ने मंडल का केस जीत लिया। तो जो वेल सेटल जजमेंट था 90, ये बहुत बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूँ, ये आरोप लगा के शायद एक दो आरोप लगा के मैं अपनी बात बंद करूंगा। तो उसके बाद में जो है ओझा वाज द लास्ट जज टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम ए ब्राह्मण कम्युनिटी, और बैकवर्ड्स के जजेस बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट में एकदम आके बैठ गए थे, और सोशल जस्टिस का बड़ा उस देश में उस समय माहौल चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अभी पूरा देश बदल जाएगा।
जुडिशियरी भी बदल जाएगी, ऐसा एक बड़े पैमाने पर लग रहा था कि रामास्वामी सेकेंड और उसके पहले जस्ट बिफोर मतलब पहला जज उसी पीरियड में वरदराजन, एब्सोल्युटली वरदराजन, देन सेन, फिर रामास्वामी, ये जजेस शेड्यूल कास्ट से उसी समय बने हैं। ये फिनोमिना उनके जो छह ब्राह्मण जजेस बचे हुए थे उनको लगा कि इससे तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट भी पूरा एससी एसटी ओबीसी के हाथ में चली जाएगी। उसकी वजह से उन्होंने ब्राह्मणवाद को बचाए रखने के लिए कोलेजियम लागू किया है इस देश में, इसको दस्त पर के रहेंगे हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में जो कोलेजियम लागू किया है वो सिर्फ ब्राह्मणवाद को बचाए रखने के लिए लगाया है, इसको हम नहीं चलने देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मिश्रा नाम का चीफ जस्टिस था, उसके पास अनकनेक्टेड केस आई, सौरभ गुप्ता शर्मा केस में अनकनेक्टेड केस, वो कहता था कि हाई कोर्ट में जो वैकेंसी है अभी तो 400 वैकेंसी है, अभी तो कुछ नहीं कर रहे, हाई कोर्ट में जो वैकेंसी है उस वैकेंसी को भरने के लिए गवर्नमेंट को फ्री आर दिया जाए, मैंडमस इश्यू किया जाए। उसमें रंगनाथ मिश्रा चीफ जस्टिस था, उसने ये कहा कि हम लोग एसपी गुप्ता जजमेंट जो है उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को इसमें अपॉइंटमेंट में प्राइवेसी है और चीफ जस्टिस का ओपिनियन नॉट बाइंडिंग नहीं है, उसके साथ एग्रीमेंट में नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट ये थे कि 7 जजेस का जो जजमेंट रहेगा वो सारे जजेस के ऊपर बाइंडिंग रहेगा और 3 जजेस को कोई पावर नहीं है उसको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजने के लिए, हम उसको रीओपन करना चाहते हैं कि जो रेफरेंस दिया गया था एसपी गुप्ता केस के बाद में वो दैट इज एब्सोल्युटली इलीगल है, एब्सोल्युटली इलीगल है और रेफरेंस का ऑर्डर इलीगल है, हम उसको रीओपन करना चाहते हैं इस देश में। दोस्तों, उसमें जो ये जज था रंगनाथ मिश्रा ने उसने ब्राह्मणवाद को बचाए रखने के लिए एसपी गुप्ता का वेल सेटल जजमेंट रीओपन किया और अपने टाइम में ही उसको जो है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ से डिसाइड होना चाहिए करके बड़े बेंच के सामने भेजा, बड़े बेंच के सामने भेजकर ऐसे जजेस की नियुक्ति की कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल चीफ जस्टिस बनने वाले थे और उन्होंने जजमेंट दिया कि नहीं, इस देश में कॉलेजियम होना चाहिए, द गवर्नमेंट विल नॉट बी द अल्टीमेट अथॉरिटी टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में आप देखेंगे कि फिनोमिना फिर भी नहीं रुका क्योंकि माननीय साहब का कांचीराम जी का आंदोलन चल रहा था, बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चल रहा था, फिनोमिना रुका नहीं, फिनोमिना रुका नहीं। एस सी एस टी ओबीसी के जजेस बाद में बनते गए, दत्तू वगैरह तो बहुत चीफ जस्टिस से आप देखेंगे कि इस देश में बालाकृष्णन के बाद काफी लंबे समय तक इस देश में एस सी एस टी ओबीसी के ही चीफ जस्टिस बनते रहे, तो उसको रोकने के लिए फिर इस गवर्नमेंट ने फिर दोबारा जो है कॉलेजियम को रिवर्स करने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि पहला मेरा आरोप यह है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर कि इन्होंने बहुत बड़ा जातिवाद करके इस देश में कॉलेजियम लागू किया और संविधान को उन्होंने डिफीट किया है। दूसरी बात, एज ऑन टुडे आप देखेंगे कि हम लोगों ने इस देश में 46 चीफ जस्टिस अपॉइंट किए हैं, 46 चीफ जस्टिस में सिर्फ एक एससी का आदमी चीफ जस्टिस बना है, कोई भी आदमी फिर एससी का चीफ जस्टिस नहीं बनाया है। फिर हमने 191 जजेस इस देश में सुप्रीम कोर्ट में अब तक बनाए हैं, उसमें सिर्फ 4 जजेस एससी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बनाए हैं। हम लोगों ने फिर कोई भी जज शेड्यूल ट्राइब से नहीं बनाया है अब तक हिस्ट्री में। और दोस्तों, हम लोगों ने सिर्फ मोस्ट ऑफ द जजेस ब्राह्मण जाति से या वर्ण से बनाया है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में आप देखेंगे कि 15 या 16 अटॉर्नी जनरल हम लोगों ने बनाए हैं। आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, तो अटॉर्नी जनरल 15-16 हम लोगों ने बनाए हैं, ये 16वां अटॉर्नी जनरल है। आप देखेंगे कि उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी का आदमी अटॉर्नी जनरल इस देश में नहीं हुआ है। फिर आप देखेंगे कि हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हम इस देश में लगभग 500 से 1000 के आसपास एडवोकेट जनरल बना चुके हैं, बट उसमें एससी एसटी का एडवोकेट जनरल इस देश में अभी तक नहीं बनाया है।
फिर हम लोगों ने हजारों सीनियर एडवोकेट्स हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने बनाए हैं। एक सीनियर एडवोकेट वो मर गए हैदराबाद से, जो शेड्यूल कास्ट के थे भोजाथारकम। उसके बाद में हमने कोई ऐसी शेड्यूल कास्ट का सीनियर एडवोकेट नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है अब तक कोई शेड्यूल कास्ट नहीं बनाया है। हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अब तक कोई शेड्यूल कास्ट नहीं बनाया, बॉम्बे और इधर उधर। दोस्तों जुडिशियरी इन सारी चीज़ों से मिलकर बनती है और इन लोगों ने हम लोगों को तो जाति के आधार पर एक्सक्लूड किया है। आर्टिकल 16(2) का वायलेशन किया है इन्होंने। हम इस देश में इसमें 85% हिस्सा लेकर रहे हैं। इसके लिए तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता था कि इन्होंने जो इस तरह का एक सिस्टम बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST OBC के खिलाफ बड़ा जातिवाद किया है। ये मेरा बड़ा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ SC ST अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में SC ST के खिलाफ जातिवाद करता है। और तीसरा आरोप यह है दोस्तों कि जब सुप्रीम कोर्ट में SC ST की केसेस आती है, OBC के अधिकारों की केसेस आती है, तो जो ब्राह्मण जजेस हैं वो ब्राह्मण जजेस SC ST OBC के खिलाफ मनुवादी भावना से ग्रसित होकर उनके खिलाफ जजमेंट देते हैं। और मेरे खिलाफ, मेरे पास ऐसे कई इविडेंस, एक नहीं कई इविडेंस मैं आपको दे दूंगा कि SC ST OBC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस मनुवादी और जातिवादी भावना से ग्रसित होकर जजमेंट देते हैं। तो उसकी वजह से जो है हमें इस देश में बैंगलोर प्रिंसिपल्स लगाना है, जो जुडिशियल कंडक्ट का प्रिंसिपल है। और ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये सब काम करने के लिए हमारे समाज में जितने भी वकील हैं वो सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि 14 अप्रैल को जो बार एसोसिएशन इस देश में बन रहा है उसमें आप शामिल हो जाइए। ये मेरा नहीं है, ना ये आर बाग का है, ना किसी और का नहीं है, ये बाबा साहब का बार एसोसिएशन है, आपका अपना है। आप सब लोग इसमें आइए और इस देश में हम मिलकर इस देश को बढ़िया बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर कब्जा करेंगे। थैंक यू सो मच।